नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विप्लब स्टॉक्स में तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में भविष्य के लिए ज़बरदस्त स्टॉक है भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो आप अगर इस स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हो तो बने रहेगा मेरे वीडियो के साथ तो चलिए फिर शुरू करते सबसे पहले बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की तो वैल्यूएशन में सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आठ करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है फेज वैल्यू दस का फेज वैल्यू है ई पी एस पच्चीस दशमलव चौतीस का ई पी एस है पी तेरह दशमलव तिरसठ का पी है सेक्टर पी उन्तीस दशमलव इक्यानवे का सेक्टर पी है और डिविडेंड इल परसेंटेज डे अभी, अभी अवेलेबल नहीं है तो ओवरऑल वेले वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन तो अच्छा ही नजर आ रहा है इसके चले चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में नए हो और अभी तक आपने अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो बिना डिमेट अकाउंट का आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो अपना डिमेट अकाउंट ओपन करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें तो चलिए अब है आते हैं वीडियो में तो इसका चलेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है सेप्टेबर टू का तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर्स इकसठ शेयर प्रमोटर्स के पास है प्लेसर की बात करते हैं प्लेसर आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो जीरो यहाँ पे जीरो जीरो है प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है प्लेसर वो होता है जो प्रमोटर्स अपने शेयर गिरवी रखते उसको प्लेसर कहा जाता है तो प्लेसर जीरो जीरो पॉजिटिव पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर इनकी जो होल्डिंग है जीरो है इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया दूसरे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज इनकी होल्डिंग जीरो है इन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और अदर्स की जो होल्डिंग है अड़तीस दशमलव चौसठ परसेंट सर अदर्स के पास है तो ये पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर प्रमोटर्स यानी प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा शेयर है और प्लेस शेयर जीरो जीरो तो ये पॉजिटिव पॉइंट है और जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर है फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कंपनी जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया कोई होल्डिंग नहीं है तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ठीक ठाक ही माना जाएगा इसका चले चलते इसके लास्ट थ्री क्वार्टर का जो तो रिजल्ट था रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ तो लास्ट थ्री क्वार्टर के रिजल्ट में सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का डेट अवेलेबल है तो सबसे पहले सेल्स देखते हैं तो सेल्स मार्च 2021 में 430 करोड़ का सेल्स था वही जून 2021 में 450 करोड़ का सेल्स था तो मार्च से जून में सेल्स आप देख सकते हैं इंक्रीज हुआ था यानी बढ़ा था और सितंबर 2021 का जो सेल्स है चार सौ बासठ करोड़ का सेल्स था तो ये भी इंक्रीज हुआ है यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हो रहे तो काफ़ी अच्छी बात है नेट प्रॉफिट देखते हैं सबसे नीचे सबसे बॉटम में है तो नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में तेरह करोड़ का नेट प्रॉफिट था वही जून 2021 में 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट था तो मार्च से जून में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ जैसे कि सेल्स इंक्रीज हुआ था और सितंबर 2021 का जो नेट प्रॉफिट है 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट है तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है यानी क्वार्टर बाय क्वार्टर नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है तो काफी अच्छी बात है इसका चलेंगे इसके बैलेंस शीट के ऊपर तो बैलेंस शीट में मार्च टू और मार्च टू का रेट अवेलेबल वाल है तो सबसे पहले टोटल शेयर कैपिटल देखते तो टोटल शेयर कैपिटल मार्च 2020 में उन्नीस दशमलव पंद्रह करोड़ का टोटल शेयर कैपिटल था भाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में चौबीस दशमलव पंद्रह करोड़ का टोटल सर कैपिटल है नेटवर्क देखते तो नेटवर्थ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी में दो सौ सत्रह दशमलव छियालीस करोड़ का नेटवर्क था भाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में दो सौ नवासी दशमलव करोड़ का नेटवर्क है टोटल डेट देखते हैं कंपनी का और कर्जा कितना था टोटल डेट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी में एक सौ साठ दशमलव पिचासी का टोटल डेट था नहीं कर्जा था भाई मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक सौ बावन दशमलव बयासी करोड़ का टोटल डेट नहीं कर्जा है तो आप देखो कंपनी का जो टोटल डेट है कर्जा है वो कंपनी अपना कर्जा आप देख सकते हैं यहाँ पर रिड्यूस कर रही है जैसे ही कंपनी डेट फ्री की कंपनी और तो अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी क्योंकि कंपनी को किसी को कर्जा ना देना होता तो जितना उतना पैसा अपने ग्रोथ पर लगा पाते और अच्छे से ग्रोथ होता है इसका चलिए चलता है इसका चार्ट के ऊपर तो चार्ट में आपको बता कहते कि आज 16 दिसंबर है और आज का मार्केट अभी क्लोज हो चुका है आज तीन सौ पे क्लोज हुआ है अड़तालीस रुपये पचपन पैसे ऊपर जाके मानते सोलह दशमलव बत्तीस परसेंट ये स्टॉक आज जंप लगायानी सिक्सटीन पॉइंट थ्री टू परसेंट आज स्टॉक ऊपर जाके क्लोज हुआ है बात करेंगे पिछले पाँच दिन का परफॉर्मेंस पिछले पाँच दिन में पॉजिटिव टर्न रहा है एलेवन पॉइंट सिक्स वन परसेंट का पॉजिटिव टर्न है ग्यारह दशमलव इसठ परसेंट का पॉजिटिव टर्न है पिछले पाँच दिन का और छत्तीस रुपये पिछले पाँच दिन में स्टॉक ऊपर गया है पिछले एक महीने की बात करते हैं पिछले एक महीने का भी पॉजिटिव टर्न है फोर्टी का पॉजिटिव टर्न पिछले एक महीने का है यानी सैंतालीस का पॉजिटिव टर्न है पिछले एक महीने का और एक पिछले एक महीने में स्टॉक ऊपर गया है पिछले छः महीने की बात करते हैं पिछले छः महीने का भी पॉजिटिव रिटर्न है फिफ्टी एट पॉइंट फोर सिक्स परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न पिछले छ महीने का है यानी अठावन दशमलव छियालीस परसेंट का पॉजिटिव रिटर्न है पिछले छः महीने का और एक सौ सत्ताईस रुपये पैसठ पैसे पिछले छः महीने में स्टॉक ऊपर गया है एयर ट्रेल लेट की बात करें एक जनवरी दो तो हज़ार इक्कीस से लेकर अब तक की तो आप देखते हो तो पॉजिटिव रिटर्न ही है और ईयर ट्रेल लेट का डेटा इसका लॉन्ग टर्म डेटा माना जाएगा क्योंकि आप देखते तो मार्च में स्टॉक लिस्ट हुआ था दिसंबर चल रहा यहाँ पे दिसंबर आप देख सकते अभी चल रहा है तो लगभग आप देख सकते हो आठ महीने स्टॉक को लिस्ट हुए तो आप देख सकते हैं जो है नौ सौ आठ महीने में स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया वन सिक्सटी नाइन पॉइंट सिक्स एट परसेंट का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न है यानी एक सौ उनहत्तर दशमलव अड़सठ परसेंट का बहुत ही अच्छा रिटर्न आठ महीने में दिया यहाँ पे मैंने गलती से माफ़ कीजिएगा इस जो है ईयर लिख दिया लेकिन यहाँ पर आठ मंथ में दिया है एट मंथ में तो एट मंथ में आप देख सकते हो जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा है एक सौ उनहत्तर दशमलव अड़सठ परसेंट का दो सौ सत्तर रुपये सत्तर रुपये स्टॉक एट मंथ में ऊपर गया इन आठ महीने में और स्टॉक लिस्ट होने का आप देख थोड़ा सा नीचे गया था फिर वहाँ से एक ही झटके में ऊपर गया फिर कुछ दिनों तक आप देख सकते एक ही लेवल एक ही लेवल पर ट्रेड करने का अभी फिर से थोड़ा ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसके चले चलते एन एस सी का वेबसाइट पर बाकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ तो आप देख सकते हैं एन एस सी का वेबसाइट पर आ गए हम और 16 दिसंबर चार बजे तक का डेटा क्लोजिंग प्राइस बता ही चुका हूँ तीन सौ पे क्लोज हुआ है अपने डेटा को फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि लेटेस्ट डेटा आ जाए तीन सौ छियालीस रुपये क्लोज हुआ आप देख सकते हो और प्रीवियस क्लोज जो था दो सौ सत्तानवे रुपये पैंतालीस पैसे का था ओपन जो आप देख सकते हो हुआ है हुआ था आज एक सौ तीन सौ एक रुपये नब्बे पैसे पे हुआ था और आज का हाई जो लगा आप देख सकते हैं तीन सौ उनचास रुपये सत्तर पैसे का लगा था जो कि फिफ्टी रुपी हाई भी दिख रहा है लो जो लगा था दो सौ नवासी रुपये साठ पैसे का कलर एडजस्ट प्राइस तीन सौ पैंतालीस पैंतीस पैसे का है फिफ्टी रूबिक हाई फिफ्टी टूबिक लो की बात करते हैं फिफ्टी टूबिक हाई आप देख सकते तो ग्रीन कलर में देख रहा होगा जो कि तीन सौ उनचास रुपये सत्तर पैसे का सोलह दिसंबर दो हज़ार इक्कीस को फिफ्टी रूप हाई लगाए यानी आज ही है फिफ्टी रुपये की की बात करें अठानवे रुपये का जो कि पाँच अप्रैल दो हज़ार इक्कीस को लगा था बात करते हैं सिक्योरिटी बाज डिलीवरी पोजीशन की तो यहाँ पे आप देखो तो चार बजे तक का डेटा अवेलेबल है आज का तो आज चार बजे तक तो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुआ है वो एट लाख सिक्सटी थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी फाइव की टोटल ट्रेडिंग हुई है यानी आठ लाख साठ हज़ार एक सौ पैंतालीस क्वांटिटी की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें जो डिलेवल क्वान्टी रही है वो टू लाख सिक्सटी थाउजेंड एट हंड्रेड एट्टी नाइन की डिलीवरी हुई है यानी दो लाख साठ हज़ार आठ सौ नवासी की टोटल डिलीवरी हुई है और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वानिटी थर्टी पॉइंट थ्री थ्री यानी तीस दशमलव तैतीस परसेंट की डिलिवरी तो अच्छी मानी जाएगी ट्वेंटी परसेंट उससे ज्यादा डिलिवरी अच्छी मानी जाती है उससे ज़्यादा ही तो काफ़ी अच्छी बात है इसके बाद बात करते हैं इसने जो डिविडन दिया हो कब दिया कितना दिया ये भी मैं आप लोग बता देता हूँ तो आप दशक तो इसे लिस्ट होने कहा अभी एक ही बार डिविडन दिया जो कि पाँच सेप्टेम्बर दो हज़ार इक्कीस इक्कीस को दिया था पाँच रुपये पर शेयर का डिविडन दिया था बहुत ही अच्छा डिविडन यानी जो इसने लास्ट डिविडेंड दिया कब दिया कितना दिया बता चुका हो और इस स्टॉक पर जितनी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को दे दिया लास्ट में डिसीजन आपको लेना कि आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक को इग्नोर करना है लास्ट में आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि, कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया साथ साथ बैलाइकन को प्रेस किया जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हम वीडियो लाते रहे प्लीज़ मैंने सबक्राइब बाइक को जरूर प्रेस कीजिएगा और अगर आपकी क्वारी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप क्वारी तो जरूर जो जरू है जरू सेक्शन में पूछेगा और आई हो तेरे रिक्वेस्ट का आपने सब्सक्राइब कर देगा तो इसके बाद बहुत धन्यवाद आपका मिलते हैं वीडियो में जय हिंद